अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है भारत से रोहित शर्मा ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आ जा पाए, थैंक यू सो मच। और आज रोहित जी आपसे हम जरा ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये द कश्मीर फाइल्स को लेके एक बार फिर कंट्रोवर्सी उठ गई है, वो क्या है और ये हंगामा सा क्यों दोबारा से शुरू है उस फिल्म को लेकर। देखिए, इंडिया में एक फिल्म फेस्टिवल चल रहा था। उस फिल्म फेस्टिवल में एक ज्यूरी थी इंटरनेशनल अवार्ड्स के। उसमें ज्यूरी में के हेड जो थे नदाफ लापिक, उन्होंने बोला कि कश्मीर फाइल्स एक ऐसी मूवी है जो कि किसी इस कंपटीशन में आने लायक नहीं थी। ये मूवी जो है ये प्रोपोगंडा है, ये वल्गर है। और ऐसी चीजें बोलने के बाद उनको हैवी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है चारों ओर से। अपनी गवर्नमेंट ने भी उनको क्रिटिसाइज किया है। इजराइल के एम्बेसडर ने ट्वीट किया है कि हम इसे सपोर्ट नहीं करते, उन्होंने गलत किया है। गवर्नमेंट ने लेटर भेजा इंडियन गवर्नमेंट को। मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन एकदम थ्रेशोल्ड पे आ गए थे और दोनों गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने तो रिएक्ट ही नहीं किया उस पर। 24 घंटे से ऊपर हो चुके, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन इसराइली गवर्नमेंट ने रिएक्ट भी किया और इसराइली गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि आपने गलत बोला, वी डू नॉट सपोर्ट दिस व्यूज। ये जो उनका स्टैंड था दैट वाज रॉन्ग। अब जहां तक बात ये, उन्होंने एक ऐसी मूवी को प्रोपेगेंडा बोला जिस मूवी में एक एक इंसिडेंट सही है, एक भी इंसिडेंट गलत नहीं है। आज तक मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला या कोई ट्वीट ऐसा नहीं मिला जिसने इस बात को कंटेस्ट किया हो कि ये ट्वीट गलत थे या ये सीन्स गलत थे या इसमें जो बताए गए इंसिडेंट से वो गलत थे। वो इंसिडेंट सारे सही हैं। अब जो दूसरी बात, जब वो एक कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ था उसकी उसको वो डिस्प्यूट कर रहा है, उसको ये बोल रहे हैं कि वो गलत है या वो प्रोपोगंडा है, तो वो शिंडलर्स लिस्ट के बारे में क्या बोलेंगे या वो दूसरी मूवीज के बारे में क्या बोलेंगे जो कि ज्यूइश हॉलोकॉस्ट पे बनी थी। शिंडलर्स लिस्ट पे तो कभी उन्होंने नहीं बोला कि ये प्रोपोगंडा है। ये जनाब जो है, ये जनाब एक मूवी बना, इससे पहले उन्होंने एक मूवी बनाई थी पुलिसमैन, जिसमें ये दिखाया कि टेररिस्ट कुछ लोगों को होस्टेज बना लेते हैं। अब वो होस्टेज की सिचुएशन है, क्या वो भी प्रोपेगेंडा था? अभी तक इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। दूसरी चीज, उनकी तरफ से अभी अपॉलोजी तो आई नहीं, आनी चाहिए थी, शर्मनाक है जो उन्होंने बोला। जहां तक बात ये कि वो एक मूवी और बना रहे हैं एक पैलेस्टीनियन गर्ल की जो कि एक एक पुलिस वाले को थप्पड़ मारती है, इजरायली पुलिस वाले को, और वो लड़की अरेस्ट हो जाती है। अरेस्ट होने के बाद वो लड़की हीरो बन जाती है फिलिस्तीनियंस की। वो इस मूवी के बैकड्रॉप में कमेंट दिया गया है। वो चाह रहे हैं इस बैकड्रॉप से वो पब्लिसिटी चाह रहे हैं ताकि उनकी, अब उन्हें इंटरनेशनल पब्लिसिटी मिल गई वहां से, और इंटरनेशनल पब्लिसिटी के बाद अब वो जाकर के वो फिल्म रिलीज करेंगे। वो चाह रहे हैं कि उन्हें इंटरनेशनल फेम मिले और इंडिया में उनको जाना जाए। वो चले जाते चुपचाप, ज्यूरी के चीफ बनते बन के आए थे, चुपचाप चले जाते, कौन उनको पहचानता और कौन उनकी मूवी को पहचानता। ये उस मूवी की पब्लिसिटी का काम जो ये यहाँ कर रहे हैं, ये बहुत क्लियर है। एक इजरायली लड़की, इनसे पहले भी उनको अवार्ड्स बहुत मिले हैं, लेकिन इनकी इनकी जो मूवीज थी वो कोई बहुत बड़ी इंस्टेंट सक्सेस रही हो या बहुत बड़ी कॉमर्शियल सक्सेस रही हो ऐसा हमने देखा नहीं है, ना कभी देखा गया है। हालांकि इन्हें अवार्ड मिला है बर्लिन में, इन्हें दूसरे फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड मिले हैं। अवार्ड तो अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स बहुत सारे हैं। कॉमर्शियल सक्सेस अलग चीज होती है, अवार्ड अलग चीज होते हैं। इनको इनको अवार्ड मिले हैं। तो अब ये जनाब जो है, ये दिखाना क्या चाह रहे हैं? ये दिखाना ये चाह रहे हैं कि मैं सच्चाई पे बात करता हूँ, मैं जो हूँ जिसे बोलते हैं कि मैं मुस्लिम के साथ हूँ या मैं उनके साथ हूँ, कश्मीरियों के साथ हूँ। कश्मीरियों पे तो एट्रोसिटी थी, कश्मीरी हिंदू के कश्मीरी नहीं है, बिल्कुल है। और इस फिल्म में जो कुछ भी है सब कुछ सच बताया गया है। इन्होंने किया क्या है, जानबूझ के किया, अनजाने में तो नहीं हुआ है, जानबूझ के जो किया है इन्होंने इस मूवी से पब्लिसिटी उठा करके अपने अपने आप को इंडिया में फेमस किया है ताकि इनकी मूवीज इंडिया में देखी जाए और अक्रॉस द वर्ल्ड ये हेडलाइन बन जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये चीज का जवाब ये देना भूल गए कि इतने साल से हॉलोकॉस्ट पे जो बात हो रही है, जिसके मेमोरियल्स बन रहे हैं, और वो जगह जहां पर ये कैंप्स थे हिटलर के, उन कैंप्स को मेमोरियल क्यों बनाया गया? एक वाइट मैन सुप्रीमसी इन लोगों के दिमाग में बैठी हुई है, चाहे वो यूरोपियन हो या ये ज्यूइश लोग हों। मैं ज्यूइश बोल रहा हूँ, ये भी एंटीसेमिटिज्म में आ रहा है, लेकिन इस कमेंट्स को
इनके इन कमेंट्स को ज्यादातर ज्यूज ने सीधे सीधे डिनाई कर दिया, कि सीधे नकार दिया कि ये उनके कमेंट्स हैं, हम ऐसा कुछ नहीं मानते, ये गलत बोल रहे हैं, और बहुत सारों ने कंडेम किया। इंडिया में बैठे हुए कुछ लोग जो कि अपने आप को ज्यादा सेक्युलर बताते हैं, उन्होंने कमेंट किया, खासतौर से एक स्वरा भास्कर हैं जिन्होंने इनके सपोर्ट में कमेंट किया। अगर ये पब्लिसिटी या प्रोपेगेंडा है भी, तो क्या उसमें गलत दिखाया गया है? कुछ झूठ नहीं दिखाया, बिल्कुल सच दिखाया गया। उसके बाद भी स्वरा भास्कर कूद रही हैं, विजय सायमा जो कि आजकल अपने आप को मतलब ऐसे समझ रही हैं जैसे कि उन्होंने कंट्री खरीद लिया, वो भी बीच में कमेंट कर रही हैं कि ज्यूज डो नॉट नीड पब्लिसिटी, सॉरी कश्मीरी पांडित्स डो नॉट नीड पब्लिसिटी, दे नीड सपोर्ट। सायमा जी से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने उस एग्जोडस या उस जेनोसाइड के खिलाफ एक कमेंट किया है, कोई कोई ट्वीट किया है? तो दिखा दें वो, और ट्वीट किए भी हैं तो कितने सीरियस किए हैं। और जहां तक सरतन से जुदा ब्रिगेड थी और ऐसे लोग मारे गए, उनके खिलाफ उन्होंने कितने कमेंट किए? सायमा ने ये स्वरा भास्कर बता दें, ये सब भी पब्लिसिटी ले रहे हैं, पब्लिसिटी हंग्री एक लोग हैं एक पढ़ना। चीज एक चीज एक चीज रॉय जी, मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, वो ये कि कोई रिएक्शन आया पब्लिक की तरफ से या फिल्म मेकर्स की तरफ से, और ये इस किस्म की बात करते हैं, तो वो तो आप सही कह रहे हैं कि पब्लिसिटी लेने के लिए कि चलो इस किस्म का कुछ बोल देते हैं तो किसी फिल्म के अगेंस्ट बात कर देते हैं तो लोग मशहूर हो जाते हैं, और चाहे वो पहले भी हों लेकिन फिर भी और ज्यादा फेमस होने के लिए। तो आपके ख्याल से जो है वो पब्लिक ने क्या रिएक्शन दिया इसके ऊपर? वो तो ठीक है कि वो सवेरा भास्कर या इस तरह के लोग तो हर बार साथ ही देते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं हो रही, लेकिन बाकी अगर आप आम पब्लिक को देखें तो उनका क्या रिएक्शन है? राइट अब एक चीज और ये सोचने वाली बात है कि अब इसमें पॉलिटिशियंस भी घुस गए हैं। शिवसेना के एक एमपी हैं संजय राउत, वो बाहर आए और वो आके बोल रहे हैं यस इट वाज अ प्रोपेगेंडा मूवी। अब ये संजय राउत जो है ये उसी उसी मूवी के, ये उसी उसी शिवसेना के मेंबर है जिसके चीफ बाल ठाकरे हुआ करते थे। अब इसमें पॉलिटिक्स घुस गई है, और पॉलिटिक्स घुसने के बाद वो संजय राउत ने क्या बोला है, यस इट इज ट्रू अबाउट कश्मीर फाइल्स, इट वाज अ प्रोपेगेंडा बाय वन पार्टी अगेंस्ट अनदर, मैक्सिमम नंबर ऑफ किलिंग्स इन कश्मीर हैव टेकन प्लेस आफ्टर दिस फिल्म, कश्मीरी पंडित्स एंड सिक्योरिटी पर्सनल वर किल्ड बट पार्टी एंड द गवर्नमेंट वर टू बिजी विद पब्लिसिटी। अब ये सोचने वाली बात है, बहुत सारे लोगों ने, अनुपम खेर ने और दूसरे जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने आकर के ओपनली बोला कि भाई गलत है, हमने जो दिखाया बिल्कुल सही दिखाया। हालांकि विवेक अग्निहोत्री इसके जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने चैलेंज भी किया, ओपन चैलेंज दिया कि मेरी फिल्म को कोई ये दिखा दे कि ये ट्रू नहीं है, ये सच नहीं है। अगर कोई भी बोलेगा, कोई भी प्रूव कर दे इसमें जो कुछ दिखाया है, अगर वो सच नहीं है मैं फिल्म मेकिंग छोड़ दूंगा, ये अग्निहोत्री ने बोला है। और जहां तक बात ये अनुपम खेर हो या और दूसरे प्रोड्यूसर्स, बड़े सारे प्रोड्यूसर्स ने इसको कंडेम किया है, बहुत सारे लोग इसके फेवर में भी आए हैं जो देखेंगे, जो जो आपको पता लगेगा, मतलब राम गोपाल वर्मा वगैरह सबके सब इसको कंडेम कर रहे हैं, इन जनाब को कंडेम कर रहे हैं, ये नडाब लपेट को, और ये भी बोल रहे हैं कि इनको पता था नहीं, अगर कश्मीर की असलियत नहीं पता है तो इनको बोलने की क्या जरूरत थी, और अगर बोला भी तो वे अपोलोजाइज कर दें, अगर गलती से कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया तो अपोलोजाइज कर दें। नडाफ ने ये चीज पब्लिसिटी के लिए बोली, और अब इस पब्लिसिटी की बहती गंगा में बहुत सारे लोग डुबकी लगा रहे हैं, हर बंदा चाहता है कि मैं भी पब्लिसिटी ले लूं, उसमें ही संजय राउत भी आते देख रहे हैं। अगर हो मतलब संजय राउत तो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं या संजय राउत किसी किसी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बट फैक्ट रिमेन्स, एक बार संजय राउत मुझे ये बता दें कि उसमें दिखाया हुआ एक भी इंसिडेंट गलत है तो मान लूंगा, और लेकिन ये गलत मूवी शुरू से ही जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल रही और लोग इसके बारे में बात करते रहे, इसके रिलीज से पहले भी, रिलीज होने के बाद भी एक हंगामा सा रहा। तो आपके ख्याल से क्या पहले कभी कश्मीर के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी क्या इस किस्म की भारत में? क्या ये फर्स्ट टाइम था कि ये मूवी आई है? कश्मीर पे। इससे पहले और भी मूवीज बनी लेकिन ये कश्मीरी एग्जोडस पे या जेनोसाइड पे पहली मूवी दिखी थी, इससे पहले कोई ऐसी हाई प्रोफाइल मूवी नहीं आई थी, बहुत छोटी छोटी मूवीज आ रही थी। ये मूवी ऐसी थी जिसमें बहुत लंबी रिसर्च के साथ, एक्सटेंसिव रिसर्च के साथ और एक्चुअल इंसिडेंट्स को दिखाया गया था। अब जहां तक बात यह कि इससे इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, मतलब कश्मीर पे जो मूवीज बनी थी उसमें, या वो मिशन कश्मीर हो या वो उसमें कश्मीर की सिचुएशन दिखाई गई थी, लेकिन एग्जोडस पे किसी का फोकस नहीं था।
ये पहली मूवी थी जिसमें एग्जोडस पे फोकस था, रियल इंसिडेंट्स के साथ, रिसर्च के साथ दिखाई गई, और इसका ऑपोजिशन होना लाजमी था। हमें भी पता था ऑपोजिशन होगा, सबको पता था। और विवेक अग्निहोत्री ऐसी फिल्म बनाते भी हैं जिसमें कहीं कंट्रोवर्सी हो या कुछ हो, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं पर कुछ गलत बोला गया तो बताया जाए, लेकिन बताया तो नहीं गया। अगर इस, और ये जो डायरेक्टर हैं, ये जो फिल्म पर्सनालिटी हैं, या जनाब जो हैं जिन्होंने बोला कि ये वल्गर मूवी है, उनकी अगर उनके स्टेटमेंट को कंडेम करे या उनके स्टेटमेंट को नकारे या उसको उसका डिनायल दे उनकी अपनी गवर्नमेंट, तो आई थिंक इससे ज्यादा शेमफुल बात कुछ नहीं होती कि आप कुछ बोल गए और पीछे आपकी गवर्नमेंट माफी मांग रही है। तो फिल्म की एक स्टार है पल्लवी जोशी, जो कि इंसिडेंटली डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की वाइफ भी हैं। उन्होंने लिखा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल फिल्म फिल्म अवार्ड्स जैसा प्लेटफॉर्म यूज किया गया एक एंटी इंडिया नैरेटिव के लिए, एक शेमफुल हरकत है। और साथ में अनुपम खेर, उन्होंने तो यहां तक बोला कि कश्मीर का सच दिखाना जरूरी था, हमने दिखाया, और कश्मीर के सच को अब तक 25 साल से मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा था, उस सच को ऐसे प्लेटफॉर्म पे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे, ये फिल्म फेस्टिवल जैसे प्लेटफॉर्म पे उस सच को डिनाई किया जा रहा है या सच के खिलाफ बोला जा रहा है, ये सही नहीं है। अनुपम खेर ने वीडियो डाल के बोला। अब जहां तक बात ये कि इससे इनके ये जो फिल्म मेकर हैं लापित, इनके इस कमेंट से गवर्नमेंट ने डिस्टेंस कर लिया है, इजरायली गवर्नमेंट ने डिस्टेंस कर लिया है, इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया ने डिस्टेंस कर लिया है, बहुत सारी इंटरनेशनल शख्सियतों ने से अपने इनसे डिस्टेंस कर लिया है। तो वो तो बोल के चले गए, उनकी एक अपॉलॉजी आनी जरूरी है। साथ में इंडिया में उनका उनका इंडिया का वीजा कैंसिल होना चाहिए और दोबारा उनको वीजा ना मिले, ये चीज गवर्नमेंट को इंश्योर करनी चाहिए, क्योंकि वो आकर के एक नैरेटिव सेट कर जाते हैं जिसको कई बार एंटी इंडिया प्रोपागैंडा के लिए कई जगह यूज किया जा सकता है। ये जो नैरेटिव बोल रहा है एक चीज कौन? है रोहित, इधर रोहित रोहित सॉरी आपकी बात कट, लेकिन एक चीज है कि मेरे शो में एक बार सुशील पंडित जी आए थे, कश्मीरी पंडित है, उनसे वो यही बात वो कर रहे थे, बताए जो कुछ वहां पर हुआ था, ये जो कश्मीरी पंडित के साथ हुआ था उस पर बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि उस वक्त की गवर्नमेंट जो थी, इंडियन गवर्नमेंट, उसने क्यों नहीं कुछ किया, क्यों नहीं इस सब बात को रोका या उसके ऊपर एक्शन लिया। तो वो कह रहे थे कि उन्होंने ये कहना था सुशील पंडित जी का, कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम भी अपनी, यानी वो भी कह रहे थे कि वो भी अपनी गवर्नमेंट से करते हैं। तो आपके ख्याल से कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबल थोड़ा सा इंडियन गवर्नमेंट को भी ठहराया जाए और कहा जाए कि भाई उन्होंने क्यों नहीं ये चीजों को रोका या रोक पाए? राइट, देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं रोका या नहीं रोक पाई, ये मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन इसका इस बात से क्या इस चीज को डिनाई किया जा सकता है कि ये सारी एट्रोसिटीज कश्मीर में नहीं हुई थी? हुई थी। हुई ये थी। जो पूरा इंसिडेंट है ये सच है? हाँ है, राइट। ये चीज तो हम प्रूव कर रहे हैं ना। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस तरीके से एक्ट किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लोग थे उस समय के, जो वहां पे फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट डिसमिस कर दी गई, और फारूक अब्दुल्ला उस समय थे, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला आज की डेट में तो क्या बोलते हैं मुझे पता, बिल्कुल यू टर्न मार चुके हैं। और उससे पहले जो गवर्नमेंट रही उनका क्या स्टैंड था इस पे, ये भी एक देखने वाली चीज थी कि गवर्नमेंट ने इस तरीके की एक्टिविटी सपोर्ट कैसे की, क्या गवर्नमेंट मिसजज कर गई वहां की ग्राउंड सिचुएशन को, और आज ऐसी चीज क्यों नहीं हो पा रही है? आज वहां पर लड़के क्यों इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पर जो यूथ है वो इंडिया के फेवर में क्यों वापस आया है, ऐसे एफर्ट्स पहले क्यों नहीं लिए गए, बीजेपी का वहां पे इस समय क्या रोल है, और बीजेपी वहां इतनी फैल क्यों रही है, कौन कौन लोग, कितने कश्मीरी श्रीनगर से या बारामूला से या गांधरबल से, कितने लोग, कितने कश्मीरी यूथ, मुस्लिम यूथ बीजेपी इस समय ज्वाइन कर गए, ये काम पहले क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उस समय की गवर्नमेंट जो थी, चाहे आप वीपी सिंह गवर्नमेंट बोलिए या राजीव गांधी गवर्नमेंट बोलिए या नरसिम्हा राव गवर्नमेंट बोलिए, इन सब गवर्नमेंट ने उस पे इंटरेस्ट नहीं लिया कश्मीर की ओर, या इंटरेस्ट भी लिया तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक घूम रहा था। आज क्यों
कोई वहां पे मुस्लिम्स के खिलाफ कोई एट्रोसिटी आज हो रही हो तो बताया जाए। वहां से लड़के आ रहे हैं दिल्ली, वहां पे फोन खुले हैं, अवेलेबल हैं, कोई एट्रोसिटी देख रही हो फोन पे, किसी किसी आदमी ने, किसी किसी वहां के लीडर ने ही क्लेम किया हो कि भाई एट्रोसिटी हो रही है। किसी ने ये बोला मेरा भाई को गोली मार दी गई, किसी ने ये बोला मेरे भाई को उठा के ले गई पुलिस, कोई कोई बोलने आ रहा हो तो ऐसा भी नहीं है। वहां से लोग आ रहे हैं, वहां से न्यूज चैनल्स चल रहे हैं, वहां पे सब ओपन में है, वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, कैंपेनिंग चल रही है, महबूबा मुफ्ती भी घूम रही हैं, फारूक अब्दुल्ला भी घूम रहे हैं, दूसरे अब्दुल्ला भी घूम रहे हैं, और सारे लोग हैं। एक एक हमारे एक IAS ऑफिसर थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, फैजल शाह, जो कि IAS रिजाइन करके पॉलिटिक्स में चले गए थे कश्मीर में। फिर वो वापस, उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स मुझे समझ में नहीं आई, वो वापस आकर के उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस फिर से ज्वाइन कर लिए अभी हाल में, और उन्होंने थैंक्स भी किया था अमित शाह साहब को कि इनकी वजह से मुझे दोबारा जॉब वापस मिल गई है अपनी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर हम कश्मीरी यूथ को ऐसे ही परेशान कर रहे थे या उनको कोई राइट नहीं दे रहे थे, तो एक बार रिजाइन किए हुए आदमी को, जिसने जॉब से रिजाइन कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, कश्मीर की जॉब नहीं है, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं है, कश्मीर गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, इधर यूनियन होम मिनिस्ट्री में बैठे हैं वो, इस समय भी फैजल शाह यहाँ पे बैठे हैं ऑफिसर बन के। अगर यूनियन होम मिनिस्ट्री और वही मोदी और अमित शाह की गवर्नमेंट में एक कश्मीरी यूथ को, कश्मीरी आदमी को जो कि IAS पास किया था, वो वापस जॉब ज्वाइन कर रहा है, जो कि उसका प्रेरोगेटिव नहीं है, वो रिजाइन करके जा चुके थे, उनको वापस दी गई है, तो कश्मीरी को राइट दिया जा रहा है ना, एक कश्मीरी को और दिया गया। और वो तो, ये तो फैजल शाह तो वहां एक पॉलिटिकल पार्टी खोल के बैठे थे, वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी, तो अपने कोई बीजेपी से होती तो हम इनसे उम्मीद नहीं कर सकते ना। फैजल शाह गए थे, वापस आ गए, तो ये भी है, ये भी देखने वाली बात है कि यूथ कश्मीरी इंडिया जो है, इंडिया के साथ है, और आज इंडिया के साथ बहुत सपोर्ट में है। अब कुछ स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं, कुछ स्पॉन्सर्ड आतंकवादी हैं जो ये जो ऐसा काम कर रहे हैं, और ये जो उन्होंने बोला है क्या नाम है उनका, संजय राउत ने, के उसके बाद ज्यादा मर्डर हुए हैं और उससे पहले कम हुए थे। भाई संजय राउत साहब, आप भी बैठे थे और आपके सामने भी हुआ था, आपकी गवर्नमेंट भी थी, आपके लोग भी थे, और आपके बाल ठाकरे भी थे, उस समय भी कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाता, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिखाता। हाँ, उन्होंने कश्मीरी जेनोसाइड पे बोला, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ऐसे कैसे स्टेटमेंट थे। आज की डेट में आपकी गवर्नमेंट के स्टैंड जो है वो सबको देखते हैं। और इसके साथ साथ बाकी स्वरा भास्कर और साइमा, इन सबसे तो भैया मैं इन सबके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, ये अगर कश्मीर में हुए जेनोसाइड पे सही स्टैंड नहीं रख सकते तो मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि इस तरह की मूवीज बनती रहनी चाहिए ताकि सच्चाई लोगों के सामने आती रहे और लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि क्या कुछ हुआ था वहां पर कश्मीर में जो है कश्मीरी पंडित्स के साथ। थैंक यू सो मच रॉय कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।